हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम दो स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे। ओके, सबसे पहले अगर मैं नाम बताऊं तो आपको यहाँ पर नाम दिख जाएगा, अतुल ऑटो से रिलेटेड। दूसरे स्टॉक्स की अगर मैं बात बताऊँ तो दूसरे स्टॉक्स का नाम है SML Isuzu। तो दोनों के दोनों ऑटो स्टॉक्स है। क्या रीजन है इन स्टॉक्स को बताने के पीछे, ओके, और क्या ये शेयर अच्छे खासे यहाँ से रिटर्न दे सकते हैं, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे जानेंगे, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बहुत सारे लोग वीडियोज देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि शायद आपकी लाइफ चेंज हो जाए उसमें। और यहाँ पर आप चाहे तो हमें नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए, क्योंकि वीडियोस तभी आपको मिल पाएगी। और आप हमें यहाँ पर ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए ताकि इसमें यहाँ पर हम जो चार्ट डालते रहते हैं आपको वो चार्ट मिलते रहे। यहाँ पर आप हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे ताकि आपको यहाँ पर चीजें समझ में आए। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे जानेंगे, और एक वीडियो आ चुकी है मनाली पेट्रो, जहाँ पर मैंने यहाँ पर आज शेयर खरीदी है। ओके, डॉली खन्ना और FIIs ने भी यहाँ पर शेयर खरीद के रख रखे हैं ऑलरेडी यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर क्यों खरीदे हैं तो उसके पीछे का रीजन यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अतुल ऑटो। अतुल ऑटो आपको पता ही है, आप मार्केट में जाते हैं, ओके, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑटो दिखते होंगे। तो मोस्टली जो ऑटो यहाँ पर दिखाई देते हैं अतुल ऑटो के नाम से ही यहाँ पर दिखाई देते हैं। अतुल ऑटो में बहुत बेहतरीन पैसा किसने कमाया था, आप जवाब दीजिएगा नीचे कमेंट में, ओके, इस बात को सुनने के बाद, ताकि आपको पता चले, बाकी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये। तो अतुल ऑटो की अगर हम बात करें तो अतुल ऑटो का यहाँ पर सेल्स फिगर आ रहा है, ओके, यहाँ पर एक बेहतरीन, जिसे कहते हैं ना बेहतरीन, यहाँ पर सेल्स होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर अतुल ऑटो की। कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए, द कंपनी हैज सोल्ड 1950 व्हीकल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त 2020, मतलब इसी महीने में जो लास्ट गया है 1950 व्हीकल्स इन्होंने सोल्ड करे है, एज कम्पेयर टू 1411। तो यहाँ बात करें लगभग 38.2% की यहाँ पर व्हीकल्स बेचने में यहाँ पर जंप आती हुई दिखाई दी है, ओके, और अच्छा खासा यहाँ पर ये चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोविड खत्म हो चुका है, ओके, ऑटो यहाँ पर और ज्यादा सेल होते हुए नजर आए हैं, और अतुल ऑटो एक बेहतरीन यहाँ पर कंपनी नजर आते हैं। तो अतुल ऑटो की तरफ हमें यहाँ पर ध्यान देना है, ओके। यहाँ पर रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में काम करते हुए दिखाई देता है, डोमेस्टिक ओवरसीज। कंपनी यहाँ पर पेट्रोल और कार्गो से रिलेटेड पर यहाँ पर अलग अलग ब्रांड यहाँ पर देते हुए नजर आती है, पेट्रोल, CNG, LPG, तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर थ्री व्हीलर्स यहाँ पर आप चलते हुए दिखाई दे सकते हैं। चाहे तो एक बार वेबसाइट पर विजिट करिएगा तो आपको यहाँ पर इनके जो ये प्रोडक्ट्स है वो आप पर समझ में आते हुए दिखाई देंगे। मार्केट कैप की बात करूँ, माइक्रो कैप कंपनी है, 414 करोड़ रुपए की कंपनी है, बट कंपनी है बहुत ज्यादा कैलिबर है। ROC, ROE सब नेगेटिव में है, डेट भी 68% के आसपास का है। कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ और ये सब चीज नेगेटिव ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अभी तक अगर हम देखें तो अभी भागना शुरू हुआ है अभी ये शेयर, कोविड की वजह से पूरा का पूरा इनका बिजनेस ठप पड़ा था एक तरीके से। इंडस्ट्री का भी 24 का है, ओके, और यहाँ पर बात करें 270 का हाई लगा के शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया। इससे पहले भी शेयर बताया था, उस टाइम भी यहाँ पर हमने इसी भाव पे खरीदा था, तब 270 की जंप लगाई थी। उसके बाद अगर हम बात करें अब यहाँ पर दोबारा इसी लेवल पे यहाँ पर शेयर को बताया जा रहा है। शेयर की बात करें तो अच्छे खासे रिटर्न ही ऑलरेडी दे चुका है। 2015 में इसने हाई बनाया था अपना, ओके, लगभग 650-700 रुपए के आसपास, और उसके बाद यहाँ पर देखिए तो चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। और अभी शेयर कितने पे चल रहा है, लगभग 200 रुपए के आसपास। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर हर तरीके के यहाँ पर अतुल शक्ति से रिलेटेड यहाँ पर थ्री व्हीलर्स यहाँ पर बनते हैं जो कि कार्गो में यूज होते हैं, एज वेल एज अगर हम बात करें यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स ये बनाते हुए नजर आते हैं। लगभग 30 साल इसका पर्टिकुलर कंपनी इसको हो चुके हैं। कार्गो के देखिए अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स इनके पास है, जिस तरीके के प्रोडक्ट है आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, यहाँ पर और देख लीजिए। इसके अलावा अतुल पैसेंजर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए अलग अलग तरीके के ऑटो, इलेक्ट्रिक यहाँ पर ऑटो यहाँ पर बनाते हुए नजर आते हैं। तो अच्छे खासा यहाँ पर अप्रोच है कंपनी की, कंपनी में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट कैप की बात करें तो 966 करोड़ की मार्केट कैप है। यहाँ पर थोड़ा सा डेटा शायद पुराना है, ओके, इस वजह से ये डेटा नहीं आया है। कंपनी की अगर हम बात करें अमंग टॉप 5 थ्री व्हीलर्स कंपनी में आता हुआ दिखाई देता है। 15 कंट्रीज में यहाँ पर ये और 3 कॉन्टिनेंट में ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। मल्टीपल फ्यूल रेंज के इनके पास यहाँ पर प्रोडक्ट है, जो यहाँ पर जिसके बजट में जैसा हो वो यहाँ पर जाके
पता करता है और लेके आता है ऑटो और यहाँ पर चलाता है। इसके अलावा देखा जाए कंपनी से रिलेटेड, तो कंपनी देखिए लगातार यहाँ पर डाउन साइड दिखाई दे रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड आ गया था। ओके, और सेल्स हो नहीं रही थी क्योंकि सब लोग घर पे बैठे हुए थे, तो कौन यहाँ पर बाहर निकलेगा। बट जैसे ऐसे लॉकडाउन पूरा ओपन अप होता हुआ दिखाई दे रहा है, सेल्स दोबारा से पिकअप हो गई है, कंपनी की सेल्स लगातार यहाँ पर अब बढ़ती हुई नजर आएगी। कंपनी यहाँ पर लगातार जो यहाँ प्रॉफिट में थी, यहाँ पर लगातार घाटा आता हुआ दिखाई दिया, बट यहाँ पर अब प्रॉफिट में आना शुरू हो गया। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है जो आपको यहाँ पर नोट करना चाहिए कि कंपनी यहाँ पर अब प्रॉफिट में आ गई है। नेट प्रॉफिट में घाटे में है, बट यहाँ पर बात करें ओवरऑल प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पॉजिटिव में आ गया है, मार्जिन यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब है शेयर यहाँ पर चलेगा। सितंबर में नेगेटिव था, अब भी पॉजिटिव रहेगा, सेल्स बढ़ रही है। ओके, यहाँ पर 3-4 क्वार्टर तो समझिए कंपनी यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, तो आप इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ ध्यान दीजिए। ओके, थोड़े लंबे 6 से 9 महीने और 1 साल का वेट करिए इस पर्टिकुलर शेयर को लेने के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका पैसा डबल और शायद ट्रिपल होता हुआ नजर आ सकता है। ईयरली बेस पे हम देख सकते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन थी, ये कोविड का टाइम था, अब दोबारा कंपनी की सेल्स दोबारा बढ़ती हुई नजर आएगी, कंपनी घाटे से दोबारा प्रॉफिट में आती हुई दिखाई देगी, दोबारा यहाँ पर टर्नओवर होता हुआ दिखाई देगा। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के रिजर्व्स अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, बट यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर में कम हुए हैं। और बोरिंग यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयज की तो कॉस्ट देनी ही देनी है, एम्प्लॉयज को तो निकाल नहीं सकते, तो इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बोरिंग कंपनी की बढ़ी है थोड़ा सा, यहाँ पर इनका रिजर्व्स कम होते हुए दिखाई दिए। कंपनी की बात करें वर्किंग प्रोग्रेस में जो 150 करोड़ रुपए 2021 में लगे थे वो पूरा का पूरा काम हो चुका है, कैश भी कंपनी के पास ज्यादा नहीं है, 7 करोड़ के आसपास है। प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है 52.7। ओके, एज वेल एज पब्लिक की बात करें, पब्लिक का 43% के शेयर है जिसमें साहिल गुप्ता के पास, ओकेडिया सिक्योरिटी, तो जिसका मैं बात कर रहा था कि इनके पुराने शेयर होल्डर कौन है, एक बड़ा नाम है, तो उनका नाम है केडिया सिक्योरिटीज, मतलब कौन? विजय केडिया सर। विजय केडिया सर ने ऑलरेडी बहुत पुराने टाइम से यहाँ पर होल्डिंग ले रखी है और मल्टी बैगर रिटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक से कमाए हैं। तो यहाँ पर चार्ट पे चलते हैं तो देखेंगे आप, यहाँ पर पहले बताया था इस पर्टिकुलर लेवल पे शेयर ने एक अच्छी खासी जंप लगाई थी, उसके बाद यहाँ पर एक लगातार गिरावट हुई और अब यहाँ पर बॉटम क्रिएट हो गया है, सेल्स दोबारा बढ़ने लग गई है, रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो गए हैं। तो जब रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो गए तो शेयर यहाँ पर रहने वाला है? बिल्कुल नहीं रहने वाला, शेयर यहाँ पर अच्छा खासा भागेगा। सेल्स अच्छी खासी कंपनी की हो रही है, बढ़ रही है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया अगस्त में किस तरीके से सेल्स बढ़ी है। तो कंपनी यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर लेवल है 212 213 16 का, ये पर्टिकुलर लेवल क्रॉस करने के बाद यहाँ पर सीधा जाता हुआ दिखाई देगा और ये राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा टाइम का आपको बस वेट करना पड़ेगा पेशेंस के साथ। तो यहाँ पर आपको ये जो रिटर्न है ना 41% के, मुझे लगता है 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर ये आपको रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे, काफी बेहतरीन रिटर्न है और चीजें यहाँ रुकने नहीं वाली। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये 300 पे जाएगा। ओके, और 300 पे जाने के बाद यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बन के यहाँ पर अलग अलग टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। तो इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ताकि आप इस गिरावट का, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। दूसरे शेयर की बात करेंगे, SML Isuzu। SML Isuzu किस सेक्टर में है? ऑब्वियस बात है, अभी यहाँ पर व्हीकल्स में ही आता हुआ दिखाई देता है। अलग अलग तरीके की आपने बसेस देखी होगी, आपने इसके छोटे छोटे ट्रक देखे होंगे, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स आपने मार्केट में देखे ही होंगे, छोटा हाथी इस तरीके के प्रोडक्ट, तो ये बस स्कूल बस ये बनाते हैं, पैसेंजर बस ये बनाते हैं। ओके, यहाँ पर इस तरीके के कार्गो ये प्रोडक्ट ट्रक बनाते हुए दिखाई देते हैं, छोटे और बड़े, तो अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी का प्रोफाइल है और बड़ा यहाँ पर, एज वेल एज आपने यहाँ पर इनकी एम्बुलेंस भी देखी होगी। ओके, तो यहाँ पर ये इनके प्रोडक्ट्स है, जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट, ट्रक, स्पेशल अप्लायंसेस, बसेस, ओके, और एम्बुलेंस बस भी यहाँ पर ये बनाते हुए दिखाई देते हैं। SML Isuzu की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका डेटा कार्गो, अगस्त के में आप देखेंगे तो इनका कार्गो व्हीकल्स है, ओके, वो उसमें लगभग 16% की गिरावट थी, बट यहाँ पर देखिए 279% की जंप है किसमें, पैसेंजर व्हीकल्स में, मतलब बसेस में यहाँ पर जंप है अच्छी खासी, जो कि यहाँ पर आपको नोट करनी चाहिए। और ईयर बेसिस पे भी देखेंगे तो यहाँ पर अप्रैल से अगस्त के बीच में जो यहाँ पर इनकी सेल्स हुई थी 24% की यहाँ पर सेल्स बढ़ी है इस कार्गो में और 642% की यहाँ पर सेल्स बढ़ी है पैसेंजर व्हीकल्स में, इसलिए इस शेयर की तरफ भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ओके, कंपनी की बात करें, स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ पर अगेन डेटा ऐसे ही दिखाई देगा आपको, इंडस्ट्री का पी 367 का है, इसका पी कमी होगा, ज्यादा नहीं होगा, इट्स 45 का इसने हाई बनाया था, उसके बाद गिरता हुआ नजर आया था,
मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। अगेन इसी लेवल पे सब ऑटो शेयर यहाँ पर अच्छे खासे परफॉर्मेंस दे रहे थे, उसके बाद गिरावट थी और अब दोबारा यहाँ पर राउंडिंग बॉटम क्रिएट करके चीजें ऊपर जाएगी, पेशेंस के साथ बस वेट करना होगा। बात करें कंपनी की, कंपनी कोविड अगेन यहाँ पर वही स्टोरी है, दोबारा रिपीट मैं नहीं करूंगा, बट यहाँ पर देखें तो अब अगेन कंपनी का परफॉर्मेंस सही होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए लगभग 17 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है और 2 क्वार्टर से कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी वजह से आप इसका चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो शेयर था ओके, इसके बाद ये लगभग 700-800 रुपये पे जाता हुआ नजर आया था। और यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी पहली बार नेट प्रॉफिट में काफी टाइम बाद ये आती हुई दिखाई दी है, लगभग 10-11 क्वार्टर के बाद कंपनी नेट प्रॉफिट में भी आ गई है। कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है, कंपनी यहाँ पर मार्जिन अच्छा खासा दे रही है और आने वाले 3-6-7-8 महीने यहाँ पर और अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगी। ईयरली बेस पे अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी बट यहाँ पर कोविड और अब दोबारा यहाँ पर देखिए उसी बेस पे यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2015 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस था बट अभी नेगेटिव में मार्जिन है, ये सब चीज है, बट दोबारा इस परफॉर्मेंस पे ये कंपनी आती हुई दिखाई देगी और जैसे ही आएगी शेयर भी यहाँ पर डबल होता हुआ नजर आएगा, जो कि हम यहाँ पर इसके डेटा में देख चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। रिजर्व्स, कंपनी के रिजर्व्स देख सकते हैं, बोरिंग भी देख सकते हैं, कंपनी के 16 करोड़ रुपए वर्किंग प्रोग्रेस में भी है। इसके अलावा कैश की बात करें, कंपनी के पास लगभग 14 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है और यहाँ पर प्रमोटर्स एज इट इज बने हुए, ये एक पॉजिटिव बात है। यहाँ पर FIs भी है, DIs सारे निकल चुके हैं। पब्लिक की बात करें तो 54% के शेयर है बट यहाँ पर इसुजु मोटर ने 15% की हिस्सेदारी ले रखी है, एज वेल एज 7% की हिस्सेदारी सचिन बंसल जो कि फ्लिपकार्ट के पहले ओनर हुआ करते थे उनके पास है, और सचिन बंसल ने के पास ही 4% की हिस्सेदारी है, मतलब सचिन बंसल ने ही ये हिस्सेदारी यहाँ पर लेके रख रखी है। अच्छी खासी होल्डिंग इन्होंने भी लेके यहाँ पर रख रखी है, लगभग 8-12-13% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर है और 15% की हिस्सेदारी यहाँ पर है, तो थोड़े वो शेयर ही मार्केट में अवेलेबल है। तो हम बात करें SML इसुजु की, तो ऑलरेडी शेयर यहाँ पर चल गया है ओके, बट यहाँ पर याद रखिए जिस तरीके से गिर रहा है, अगर शेयर दोबारा इस लाइन के आसपास आता है ओके, तो लेने की कोशिश करिएगा क्योंकि इसके बाद चीजें भागेगी। और यहाँ पर एक चार्ट की बात करूं तो यहाँ पर एक कव्य हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, इसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पर टारगेट डिसाइड करें तो आपको यहाँ पर इसके टारगेट भी पता चल जाएगी कि इसके टारगेट क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये इसके टारगेट आ रहे हैं, ये वाला 1056 के आसपास के लगभग 40% के टारगेट है, पर चीजें सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी जो गिरावट हो रही है ये अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहला टारगेट 852 का, दूसरा टारगेट की बात करूं तो यहाँ पर 908 का टारगेट आएगा जो कि यहाँ पर देखिए, फिर ये टारगेट आता हुआ दिखाई देगा, बट इसके बाद ये टारगेट बड़े होंगे छोटे नहीं होंगे, इस चीज को भी याद रखिए। तो कंपनी अच्छी है, वॉल्यूम यहाँ पर अच्छे खासे आ रहे हैं कंपनी के पास ओके, धीरे धीरे कंपनी यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है, तो अतुल ऑटो और SML इसुजु दोनों की तरफ आपको ध्यान देना है। कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, सेल्स बढ़ रही है, कोविड के फेज से बाहर आ चुके हैं, दोबारा अर्थव्यवस्था चल रही है और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था चलेगी जो प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं दोबारा वो प्रोडक्ट्स की सेल होती हुई नजर आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब करिए, हर जगह पे फॉलो कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।